नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, जैसे मैंने कि कल वीडियो में बताया था, मैंगो लीफ हॉपर, शायद कल वीडियो मैंगो लीफ हॉपर का था। देख लेते हैं कौन सा था। जी दोस्तों, मैंने देखा कि कल जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैंगो लीफ हॉपर का ही था। आज दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैंगो लीफ हॉपर जो बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है बाग की फसल में, खास करके आम की फसल में, आम वाली जो है फसल उसमें होता है। तो आज मैं बता दूँ आपको, उसी फसल से संबंधित जो है, उसी बागवानी से संबंधित है मैंगो मिली बग। मैंगो मिली बग एक ऐसा कीट होता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लास्ट तक ये फसल को नुकसान पहुँचाता रहता है, मैंगो मिली बग। तो इसको बता दें, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फ्रूट, ये फलों में लगने वाला कीट होता है जिसका पूरे के पूरे नुकसान पहुंचाने का है। और ये देखते हैं इसका क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इसका कंट्रोल, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसका देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ड्रोसिचा मैंजीफेरा। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसिचा मैंजीफेरा। उसके बाद इसका आर्डर आ जाता है, आर्डर हेमिपटेरा है, और सब आर्डर जो होता है वो होमोपटेरा है। दोस्तों, ये होमोपटेरा से बिलोंग करने वाला कीट होता है, आम की फसल में बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है ये। उसके बाद दोस्तों आ जाता है फैमिली इसकी। तो इसकी फैमिली की अगर बात की जाए तो फैमिली में आता है कोक्सीडी, कोक्सीडी या मारगोरडी, मारगोरडी, मारगोरडी फैमिली से बिलोंग करने वाला, या कोक्सीडी फैमिली से बिलोंग करने वाला कीट होता है। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, किस जगह पे ये पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों में इसका प्रकोप देखा गया है और ये पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों देख लेता हूँ मैं कि होस्ट प्लांट क्या है इसका। तो डिसाइड मैंगो दिस पेस्ट आल्सो अटैक बनियान ट्री, मतलब कि होस्ट प्लांट ये कभी कभी बनियान ट्री बोलते हैं, जिसको बरगद को बोलते हैं, बरगद में भी ये कभी कभी पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो प्रकोप रहता है वो आम की फसल पे रहता है, और कभी कदार इसकी लाइफ साइकिल को बरगद पे भी देखा गया है। उसके बाद बरगद के अलावा जैक फ्रूट, पपाया पे भी, सिट्रस नींबू पे भी, और जामुन पे भी। बट इज आल्सो अटैक मोर देन 6 से 20 प्लांट, बहुत ज़्यादा ये 6 से 20 पौधों पर इसकी लाइफ साइकिल देखी गई है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आता है अपीयरेंस में देखते हैं कि ये होता कैसा है। तो इसका जो एडल्ट मेल होता है वो ब्लैक कलर का पंख होता है, डार्क रेड भी होता है, अबाउट 1.4 लॉन्ग, मतलब मिलीमीटर लंबा भी होता है, विंगलेस भी होता है ये, और फ्लैट पंप भी होते हैं। इसके जो पंख होते हैं वो चपटे होते हैं, अबाउट आधा इंच लंबा इंसेक्ट होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, सफ़ेद पाउडर से ढका रहता है, तथा मादा में एंटीना नहीं पाई जाती है। जो इनका सेंस ऑर्गन होता है उसको एंटीनी, जिसको श्रृंगिकाएँ बोलते हैं, वो फीमेल में नहीं पाई जाती हैं और मेल में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने बता दिया आपको कि ये कैसा होता है। जैसे आप इसको टच करते हो तो इसके शरीर के ऊपर सफ़ेद पाउडर के रूप में जमा रहता है। तो इस प्रकार से इसका अपीयरेंस हो गया। और ये लंबाई में आपने देख लिया कि 1.4 एमएम लंबा होता है, एमएम यहाँ पे होता है, एमएम इसकी लंबाई होती है। उसके बाद दोस्तों देखा हमने कि ये बहुत ही सीरियस पेस्ट है, काफ़ी सारे राज्यों में पाया जाता है, बहुत सारे 6 से 20 पौधों पर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों देख लेता हूँ कि इसकी लाइफ साइकिल जो है कैसे कैसे ये अपना लाइफ कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। लाइफ हिस्ट्री को हमने जाना है, लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाइफ हिस्ट्री में आता है कि ये
इग, निम्फ और एडल्ट तीन स्टेज में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इससे पता चलता है ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करने वाला कीट होता है। उसके बाद देख लेते हैं इसको, एक आकृति के रूप में मैंने दिया है। तो ये जो अंडा देता है वो 300 से 400 अंडे देता है, और जो 3 से 6 दिन के बाद अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में निम्फ बन जाते हैं, और यही निम्फ 3 बार मोल्टिंग करता है, और दिसंबर से अप्रैल के बीच में ही ये एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट पुनः अंडे दे देता है। एक एक फीमेल जो होती है, एक जो मादा होती है मैंगो मिलीबग की, वो 300 से 400 अंडे देती है। समझ लीजिए आप कितना सीरियस पेस्ट है, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करने वाला कीट होता है। उसके बाद देखते हैं कि ये मार्च से मई में एडल्ट बन जाता है। मादा जमीन के अंदर अंडा दरार में अंडा देती है, अंडा सिलिकॉन पाउच में दिया जाता है। इसकी जो मादा होती है ये जमीन में जो दरार पाई जाती है उसमें अंडे देती है, और अंडे एक पाउच के रूप में बंद रहते हैं, पाउच जैसा बना लेती है गोल चिकना, उसी में अंडे ये दे देती है। अंडा जो है दिया गया है इसमें कि अंडा 3 से 6 इंच गहराई पर दिया जाता है। समझो 6 इंच, 6 दून 12 3 15, लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई पर ये अंडा दिया जाता है। इतनी गहराई में अंडा मैंगो मिलीबग दे देती है। अंडा देने के 7 से 15 दिन के बाद मादा मर जाती है। जैसे अंडा ये दे देती है उसके बाद जो मादा होती है वो मर जाती है। नवंबर से दिसंबर माह में अंडा फूटने से नवजात निम्फ निकलता है। जैसे हम लोग बाग में देखते हैं, जैसे मौसम ठंडा आता है नवंबर से दिसंबर वाला अंडा ये उसी टाइम फूट जाता है जिससे निम्फ निकलते हैं। जो रेंग कर पौधों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं, यह मुलायम टहनी टर्मिनल सोर्स पर अपने शरीर को स्थिर करके पादप रस को चूस लेते हैं। दोस्तों बता दें कि ये जितना सारा कीट होता है ये अधिकतर रस उसी का जो चूसने का कार्य करता है। पौधे से जो नरम या मुलायम जो टर्मिनल होती हैं, बड होती हैं, कलिकाएं होती हैं, उन्हीं से ये रस चूसने का कार्य कर देता है। और क्या होता है कि पूरे के पूरे पौधे से रस चूस लेता है और बहुत सारा नुकसान हमारा हो जाता है। निम्फ की पहली जो मोल्टिंग होती है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में हो जाती है। जैसे अंडा निकलता है, अंडा से निम्फ निकला, निम्फ जो पहली मोल्टिंग है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में हो जाती है। उसी प्रकार से तीसरी मोल्टिंग मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाती है, और फरवरी और अप्रैल के बीच में ही ये दूसरी वाली मोल्टिंग होती है। तो क्या होता है कि इसमें नर में एडल्ट बनने के पूर्व प्रेपपल और या प्यूपल स्टेज में कुछ प्रेपपल स्टेज या प्रोपल स्टेज में कुछ समय के लिए जाता है। यह सिर्फ नर में देखा गया है। दोस्तों कई ऐसे स्टेप होते हैं जो कहने में थोड़ा अजीब होते हैं, और पर ये क्या होता है जो स्पेशली किसी मेल या फीमेल में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेपपल जो स्टेज होती है यह स्टेज ओनली नर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये, और उसके बाद आता है डैमेजिंग स्टेज क्या है, ये किस अवस्था में आता है तब ये पौधे को नुकसान करता है। तो क्षति मादा के द्वारा निम्फ और पौध दोनों के, मतलब इसकी जो मादा होती उसी के द्वारा निम्फ और एडल्ट जो बनता है वही इसको नुकसान करता है। दोनों के द्वारा की जाती है, या विकसित पौधे के पेनिकल घुंडी या घुंडा को काटते हैं तथा यह रस चूसने का कार्य करते हैं। आपको बता दें जो ऊपरी कलिका में घुंडी होती वहीं से ये रस चूसने का कार्य करते हैं, और उसके बाद प्रभाव से फल नहीं बनता है। दोस्तों ये जाड़े के टाइम में ये ऊपरी कलिका में वहाँ से रस को चूस करके उसी में ये अपना फिक्स हो जाता है, और वहाँ से नई कली नहीं निकलती है और घुंडी बन जाती है। यदि फल सेट नहीं हो जाते, यदि
फल सेट हो जाते हैं तो कमज़ोर किस्म के तथा हल्का झटका लगने पर नीचे गिर जाते हैं। किसी कारणवश अगर फल सेट भी हो जाता है तो कमज़ोर होते हैं और किसी न किसी कारण से ये गिर जाते हैं। झटका लगता है जैसे हवा चलती है, ये जो है हल्के होने के कारण गिर जाते हैं। और निम्फ की बॉडी को शर्करा युक्त पदार्थ स्रावित कर होता है जिससे फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है। हमने देखा जो निम्फ स्टेज होती है यहाँ पे क्या शर्करा युक्त इनके शरीर से जहाँ ये रस चूसते हैं वहीं पे शर्करा युक्त पदार्थ रिलीज होता है जिससे जो है हमारा बहुत सारे फंगल जो होते हैं वो अटैक करने लगते हैं और वही बहुत अच्छी तरीके से नुकसान करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है कि कल्चरल मेथड्स का यूज करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस होता है खास करके आम की फसल में मैंगो मिली बग कंट्रोल के लिए। तो इसमें क्या होता है कल्चरल में कि यह जो है गर्मी में पौधे के चारों तरफ 6 इंच गहरी जुताई करने से अंडा नष्ट हो जाता है। गर्मी जैसे शुरू होती है पौधे के चारों तरफ 15 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर गहरी आप जुताई गुड़ाई कर सकते हो जिससे अंडे खुले में आ जाते हैं और ये मर जाते हैं हवा धूप के चक्कर में और ये पूरा का पूरा अंडा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों दिसंबर की प्रथम और दूसरी संख्या में जड़ के पास 1 से 1.5 इंच की जुताई पर चिपकने वाला पदार्थ लगा देते हैं। जैसे आप जड़ों में ये गुड़ाई करते हो उसके तुरंत 1 से 10 दिन के 1 से 1 हफ्ते में 1 हफ्ते में ही चिपकने वाला पदार्थ जैसे कई बार पन्नी लगाई जाती है कई बार कोई केमिकल यूज कर दिया जाता है आप वहाँ से लगा दोगे जैसे ये अंडा से निम्फ निकलता है वो पौधे पे चढ़ने लगता है और ये पन्नी होगी तो चढ़ नहीं पाएगा और अगर कोई जहर कीटनाशी लगा होगा तो वो वहीं पे मर जाता है। इसलिए इसके पैर चिपकने वाली जगहों पे नहीं चढ़ पाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है ऑस्टिकोबाइंड दोनों तरफ चिपकता है। इसमें ऑस्टिकोबाइंड एक होता है जो दोनों तरफ चिपकता है उसका एक हिस्सा जो निचला वाला है वो आप पौधे पे चिपका दीजिए और जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पे आपका जो कीड़ा है कीड़ा जैसे ऊपर चढ़ने लगता है तुरंत ये जाके चिपक जाता है और ख़त्म हो जाता है आगे बढ़ नहीं पाता है। उसके बाद आता है एट कैथेनेंसट भी एक प्रकार का चिपकने वाला पदार्थ होता है जिसको आप इसका भी यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में बायोलॉजिकल मेथड्स होता है। इसमें कॉक्सिनेला सिप्टम पंगटाटा है ये ऐसा कीट होता है जो उसके निम्फ को खा जाता है। बॉर्ड या फंगाई एस्परजिलस कंट्रोल पॉपुलेशन एंड टू मैंगो मिलीबग इसके जो फंगल और भी होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो हमने देखा इस प्रकार से कि हमारा जितना का जितना ये है कोक्सिनेला सिम्टम पंगटाटा एक ऐसा कीट होता है जो कीट ही कीट खाने की क्षमता रखता है और चुन चुन के खाता है धीरे धीरे पूरी की पूरी कीट जो होता है मैंगो मिलीबग का ये ख़त्म हो जाता है और ये उसको खा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैंगो की बहुत सारे कंट्रोल भी होते हैं। उसके बाद लास्ट में कंट्रोल आ जाता है केमिकल का। केमिकल में आप कई बार क्या होता है कि आप इसके निम्फ और एडल्ट दोनों को ख़त्म करने के लिए आप स्टिकर के साथ ही दवा का स्प्रे करें जो आज के दिन में मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं आप उनमें से किसी एक का यूज कर लीजिएगा और आपका ये मैंगो मिलीबग कंट्रोल हो जाता है। तो हमने ये इस प्रकार से जितना सारा का सारा ये था मैंगो मिलीबग का हमने कंट्रोल बता दिया। और ख़ास करके दोस्तों अगर हो सके तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करें ना करें पर जो ये कंट्रोल होता है कल्चरल मेथड्स का इस कल्चरल मेथड्स को तो हम गांव में अपना सकते हैं। गर्मी में गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा ये कौन सा बैंड था ऑस्टिकोबाइंड इसको आप लगा दीजिए इससे दोनों तरफ चिपकने वाला होता है आपका कीड़ा नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज मैंगो मिलीबग के बारे में बताया है आपको। कैसा लगा वीडियो दोस्तों एक बार ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स करें और आप अपना
सहयोग दें जिससे मैं आने वाले वीडियो और बेहतर से बेहतर बना सकूं। अगर कोई मिस्टेक हो रही तो आप उसको ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपको अगले किसी अगले कल मिलते हैं आपको किसी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।